हेलो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि स्ट्रेस लेने से हमारा वजन बढ़ता है और साथ ही में हमारा बेली फैट बढ़ता है, यानी कि हमारी तोंद निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों स्ट्रेस लेने से बेली फैट बढ़ता है। तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसी वजह से हम उस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, उससे फाइट कर सकते हैं। तो उसमें मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे ही हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन, जो जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, वो बढ़ने लगता है। और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के कारण हमारे ब्लड में एमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। वो एमाइनो एसिड है वो फर्दर लीवर में जाता है, लीवर में वो एमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे ही लीवर में और भी फैटी एसिड, ग्लाइकोजन और एमाइनो एसिड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ती जाती है, हमें उसको यूटिलाइज करना होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना होता है, जिससे कि हम स्ट्रेस से दूर रह सके और हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाए। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारा बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उस एनर्जी को हम यूज़ ही नहीं कर पाते, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पाते। और ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जब भी कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है तो वो या तो बैठा रहेगा सिर पकड़ के, या तो फिर लेटा रहेगा, उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएगा, और ऐसे ही वो एनर्जी पड़ी पड़ी हमारी बॉडी में फिर से वो स्टोर होने लगती है। और इस बार जो एनर्जी स्टोर होती है वो फैट के रूप में स्टोर होती है, और वो ज़्यादातर हमारे बेली एरिया में, हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है वहाँ पर स्टोर होती है। और इसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा बेली फैट बढ़ता है, हमारी तोंद निकल जाती है और हमारा वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।